सपा के सहयोगियों का रहा फीका प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ओर से जातियों को गोलबंद करने के लिए जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की गई थी। इसका फायदा दोनों दलों को मिला, लेकिन असल बाजी मारी जाति आधारित उनकी सहयोगी पार्टियों ने। लेकिन बीजेपी के सहयोगियों ने विपक्ष के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव को सहयोगी दलों ने निराश किया। ऐसा हम नहीं बल्कि चुनावी आंकड़े बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने चार दलों के साथ मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनावी गठजोड़ के तहत बनी सहमति के आधार पर समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों को 57 सीटें दी थी। सपा गठबंधन के सभी चार घटक दल विधानसभा की महज 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। दूसरी तरफ बीजेपी ने दो दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सहयोगी पार्टियों को गठबंधन के तहत 12 सीटें दी थी। बीजेपी के अलायंस पार्टनर ने 27 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सपा के घटक दलों का सक्सेस रेट 24.56% रहा, जबकि बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की सफलता दर 66.66% रही। ऐसे में अखिलेश को सहयोगी दलों ने भी मायूस किया, वहीं बीजेपी के पार्टनर ने शीर्ष नेतृत्व को निराश किया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ किया। इनमें से सभी दलों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। आरएलडी को मिली थी सबसे ज्यादा सीटें। सपा के साथ गठबंधन करके पार्टियों में सबसे ज्यादा जयंत चौधरी की आरएलडी को सीटें दी गई। राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा की 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार आरएलडी का वोट शेयर महज 2.85% रहा। बता दें कि 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा था और 277 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पिछले चुनाव में जयंत की पार्टी को महज 1 सीट हासिल हुई थी और पार्टी का वोट शेयर 1.78% था। सपा के दो और सहयोगी भी हुए चित। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस बार 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार राजभर की पार्टी 6 सीटों पर विजयी रही और अपना दल केमरावादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। केमरावादी ने 4 सीटें तो एनसीपी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। तीन दल बदलुओं में दो को वोटर्स ने नकारा। अब उन दल बदलू नेताओं की बात करते हैं जो चुनाव शुरू होने से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, इन सब ने 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा और बाद में बीजेपी छोड़ दी। इन सब को एक्सपर्ट अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता बताकर पेश कर रहे थे। कहा जा रहा था इनके जाने से बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हो सकता है। चौहान तो अपनी सीट जीत गए, लेकिन मौर्य और सैनी अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। अखिलेश ने मौर्य को अपने साथ लाकर ये सोचा था कि उनके साथ ही कुशवाहा समाज का वोट भी पूरी तरह से एसपी के समर्थन में आ जाएगा, लेकिन नतीजे आए तो पता चला कि मौर्य का प्रभाव जिन कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया जिलों में है वहाँ की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। एकला चलो की नीति भी भारी पड़ी। इस चुनाव में सपा के नेता, नीतिकार और निर्णायक तीनों ही अखिलेश यादव थे। मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों से महज 2 ही सभाओं तक सीमित रहे। चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन शिवपाल जसवंत नगर तक सीमित हो गए। ऐसे में इनकी भूमिका और प्रभाव का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जातीय गठजोड़ को मजबूत करने के लिए सपा के साथ आए अधिकतर चेहरों को अखिलेश ने उनकी विधानसभा सीट तक ही सीमित कर दिया। शोर शराबे के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी अपनी अपनी सीट तक ही सीमित रहे। इसमें दारा सिंह चौहान को छोड़ दे तो बाकी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। जयंत की पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद भूमिका खत्म हो गई। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर कुछ मंचों पर दिखने के बाद जहूराबाद की अपनी सीट पर फोकस हो गए। यही स्थिति अपना दल केमरावादी की कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल की रही। इसके चलते इनके कोर वोटर्स पर इनका असर उनकी सीटों तक ही सीमित रहा जहां से वे चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश के अलावा किसी बड़े चेहरे का ना होना। समाजवादी पार्टी एक और चीज में बीजेपी से पीछे रह गई, वह है बड़े नेताओं की संख्या। बीजेपी की बात करें तो उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सबसे बड़े चेहरे के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा सिर्फ शिवपाल यादव थे, वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आए। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव इन चुनावों में सिर्फ 2 ही रैलियों में शामिल हुए। 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था चुनाव। बता दें कि साल 2017 का विधानसभा चुनाव सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। तब अखिलेश और राहुल की जोड़ी की खूब चर्चा हुई, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो दोनों लड़के दिन में तारे देखते रहे थे।
इसके बाद इस बार सपा ने कांग्रेस से गठबंधन की सोची तक नहीं। आरएलडी ने भी सपा के साथ जाना बेहतर समझा, हालांकि कांग्रेस ने उसे अपने पाले में लाने की खूब कोशिश की थी। जनता ने अखिलेश और आरएलडी के जयंत चौधरी तक को नकार दिया। किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी बीजेपी के खिलाफ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई। सपा को कब कितना वोट मिला? 12वीं विधानसभा चुनाव में यानी कि 1993 में 17.94% वोट मिला। इसके बाद 13वें विधानसभा चुनाव 1996 में सपा को 21.80% वोट मिला। 14वीं विधानसभा चुनाव 2002 में सपा को 25.37% वोट मिला। 15वीं विधानसभा चुनाव 2007 में सपा को 25.43% वोट मिला। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में सपा को 29.13% वोट मिला। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में सपा को 21.82% वोट मिला। 18वें विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को 32% से ज्यादा वोट मिला। बहरहाल विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों में किसका प्रदर्शन बेहतर रहा किसका नहीं, अब ये आकलन का विषय है। लेकिन फिर भी बीजेपी से अखिलेश यादव कोसों पीछे रह गए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।